हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेटर विशाल। आज का वीडियो होने वाला है उन सभी भाइयों के लिए जिन्हें कट शॉट में मास्टरी हासिल करनी है। आज मैं आपको पूरी बेसिक से लेकर जो हमारी एडवांस टिप्स होती है कट शॉट के लिए, लेग की पोजीशन, हैंड की पोजीशन, सब कुछ बताने वाला हूं। और कट शॉट गाइस एक ऐसा है अगर उसमें आपने मास्टरी हासिल कर ली, क्योंकि जो ज़्यादातर बॉलर होते हैं वो यहीं से बाहर करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक अच्छी लेंथ होती है जो हमारे थ्री क्वार्टर लाइन होती है ये वाली लाइन, और यहीं से अगर आप कट मारना सीख गए ना तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। तो आज का वीडियो का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक का, जो मैं बोलता हूँ भाई आप अचीव करा देते हो। दिल से थैंक यू, लव यू आप सभी भाइयों के लिए। तो ये भी आप जल्दी जल्दी अचीव करा देना, और अब ऐसे ही वीडियो आता रहेगा हर एक शॉट के ऊपर, क्योंकि मुझे मेरा मोटिव है आपको सब शॉट आपके परफेक्ट कराना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अब मैं नेट के अंदर आ गया हूँ। अब मैं आपको 3 ड्रिल बताऊंगा जो आपको कट शॉट जब भी आप खेलोगे बहुत मददगार साबित होगी। और उससे पहले मैं सारी बेसिक चीजें बता दूं आपको कि आपकी लेग की पोजीशन क्या रहेगी, हेड की पोजीशन क्या रहेगी, जब भी आपके पास बॉल आएगी तो वो पोजीशन रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको बॉल चूज कैसे करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉल चूज करना। अगर आप गलत बॉल चूज कर लोगे कट शॉट के लिए तो वो कभी लगेगा नहीं और आपका विकेट ऐसे ही चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन से लाइन में बॉल पड़ रही है। आप बीच वाली पे कट नहीं मार सकते, मिडिल स्टंप पे कट नहीं मार सकते अगर इस लाइन में बॉल पिच हो रही है, या ऑफ स्टंप पे पिच हो रही है वहां पे भी कट नहीं लगेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पांचवे से बाहर होनी चाहिए, पांचवे छठे सातवें पे। जैसे ये मिडिल स्टंप है तो यहाँ पे पांचवे पे छठे सातवें ऐसे होनी चाहिए बॉल, और ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर वाली पे कट मारोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ये सामने वाली पे आप पंच कर सकते हो, आप बैकफुट डिफेंस कर सकते हो, जो आपकी बाहर मिलेगी वही कट शॉट के लिए परफेक्ट बॉल होगी, वहीं से आप 4 रन ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हमने स्टांस लिया, बॉल पीछे पिच हुई, आपने देख लिया पांचवें स्टंप पे बॉल है, अब काम आता है हमारे लेग्स का, आपको वेट ट्रांसफर करना है पीछे। तो गाइज फ्रंट फुट से भी बहुत भाई कोशिश करते हैं कट शॉट मारने की, पर बेसिक हमारा वही है जो हम पीछे से मारेंगे। तो जब भी बॉल आपने देख लिया पीछे पिच हुआ तो आपका ये वाला राइट लेग हो गया हमारा पीछे वाला लेग, तो आपको हमेशा जैसे ये ऑफ स्टंप है तो आपको यहाँ पे रखना है। जैसे स्टांस मैंने लेग गार्ड लिया हुआ है आपको पीछे ले जाना है, और पीछे ले जाते ध्यान रखना है आपको हल्का सा बैंड करना है, पूरा बैंड नहीं करना, हल्का सा बैंड करना है, क्योंकि हमें वेट शिफ्ट करने में थोड़ा, जैसे हम डाउन है ना तो थोड़ा हेल्प होगी ज़्यादा बैंड करने से, थोड़ा बैंड रहेगा और ये आपका सीधा रहेगा, जो पोजीशन आप देख सकते हो सीधा रहेगा, बैट आपको ऊपर उठेगा। उसके साथ साथ आपको जो मेरी बॉडी है ना वो साइड ऑन है, आपको फ्रंट ऑन नहीं करनी कट मारते हुए, या आपको पहले ओपन नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से कट नहीं लगेगा ना, यहाँ से कट लगेगा ऐसे आपका एज लग के वो कीपर के पास चले जाएगा। तो ध्यान रखना है साइड ऑन जैसे मेरी है। उसके साथ साथ आपको हेड बॉल को देखते रहना है, जैसे बॉल आ रही है कट शॉट के लिए बॉल आ रही है तो बॉल देखते रहना है, आईज अपनी ऊपर रखनी है बॉल के, और साथ साथ आपके हाथ भी पूरे खुलेंगे, पूरे आपके हाथ एक्सटेंड होंगे जैसे मेरे हो रहे हैं, हाथ आपको बिल्कुल ही बंद नहीं करने हैं, पूरे हाथ दोनों खुले रहेंगे। और ध्यान रखना है जब भी हम आगे वाली बॉल खेलते हैं, ड्राइव खेलते हैं, डिफेंस करते हैं, तो ये वाला हाथ हमारा टाइट रहता है, पर इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये वाला हाथ टाइट रहेगा, ये वाला हाथ सपोर्ट के तौर पर रहेगा ऊपर वाला हाथ, क्योंकि पावर शॉट में जब भी आएगा, और ये देखिए अच्छा बैट जब भी घूम रहा है यहाँ से, अगर ये वाला टाइट है ये ढीला है तो दूर दूर रह रहा है, मतलब हाथ टाइट हो रहा है। और इसमें ध्यान रखना है पूरा हमें फिनिश करना है, ये पूरा फिनिश करना है, जैसे हमने कट शॉट मारा तो पूरा आपको फिनिश करना है लगाने के बाद। और यहाँ से आपका बैट जैसे ये लगाना यहाँ से ऐसे जाएगा, ये देख सकते हो, ये आपको फिनिश करना है कट शॉट लगाने के, क्योंकि जब हमारा बैट यहाँ से तेज चलेगा ना, जब बैट तेज चलेगा, जैसे ये बैट तेज चल रहा है ना, उसके बाद ही फिनिश भी अच्छा होगा शॉट। और तेज का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम ना करो, टाइम भी करना सबसे पहले है इसमें। जैसे हम आगे थे ना तो पीछे आए तो हमें टोपे आना है, टोपे आओगे तो हमारा पूरा वेट देख सकते हो इस वाले लेग पे आ गया, और हमारी बॉडी भी पूरी स्टील है। अब आते हैं गाइस ड्रिल पे, ड्रिल में भी आपको समझाता हूँ करना कैसे और कितना करना है। तो गाइस ड्रिल के लिए मेरे साथ आ गए हर्ष, और ये पिछले 1 साल से ड्रिल कर रहे हैं कट शॉट की, तो ये अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे आपको। और ड्रिल ध्यान से सुनना, 3 ड्रिल बताएंगे, तीनों बेस है कट शॉट के लिए। और ये ड्रिल करने के बाद हर्ष कितना इंप्रूव हुआ आपका कट शॉट? पहले भैया मेरा फ्रंट फुट ही स्ट्रॉन्ग था, पर रन बनाने के लिए हमारा बैक फुट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कट शॉट बैक फुट का एक शॉट है। तो पिछले 1 साल में सारी ड्रिल जो आपने मुझे बताई वो करके अब मेरा कट इतना अच्छा हुआ है कि मैं ज़्यादातर हर मैच में कट शॉट पे रन बनाता हूँ, कोई ऐसा ही मैच जाता होगा जिस पे मेरा कट पे बाउंड्री नहीं आती हो। तो हर्ष ने आपको बता दिया, अब ध्यान से सुनना, तीनों एक एक करके बताएगा और अच्छी तरह समझाएगा आपको। तो गाइस अब हमें फर्स्ट ड्रिल का पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले जो हमारी शैडो है, और शैडो करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे जब हम अपने स्टांस पर होंगे तब जितना हमारे लिए फ्रंट फुट जरूरी है उतना ही हमारे लिए बैक फुट भी जरूरी है। तो हम अपना इनिशियल लेने के बाद कट मारते वक्त हमारा वेट पीछे ट्रांसफर होगा, तो उसमें हम क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमारा जो सबका होता है पहला स्टेप इनिशियल का आगे ही होता है, जैसे आप देख सकते हो सब इनिशियल आगे ही लेते हैं, फिर सेकंड में अपना पूरा जाना है और ऑफ स्टंप आपको कवर करना है, और आपका जो बैट होगा वो गली की तरफ फेस कर रहा होगा, फिर आपको अपने शॉट को पूरा फिनिश करना है। 3 पे 1 2 3
तो गाइज अब सेकंड ड्रिल में हमें क्या करना है, हमें इसी ड्रिल का एक ऊपर वाला पार्ट है जिसमें हमें ये ड्रिल करते हुए एक अपने पार्टनर से सर्व करवानी है और शॉट को पूरा मारना है। तो गाइज अब बारी आती है सेकंड ड्रिल की। सेकंड ड्रिल के भी दो पार्ट है जैसे पहले ड्रिल के थे। इसमें हमें पहले पार्ट में क्या करना है, पहले पार्ट में एक पार्टनर का होना बहुत जरूरी है जिसमें हमें एक पोजीशन पे खड़े हो जाना है। आप पोजीशन देख लो, मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ। पहले से ही मुझे इस पोजीशन पे खड़े होना है। देखना, आपने देखा है कि मैं कट मारने की पोजीशन पे पहले ही खड़ा हूँ। जैसे फिनिश होने के बाद जो पोजीशन आती है इसमें हम अपना टो ऊपर कर सकते हैं। मेरा वेट पहले पीछे ट्रांसफर हो रखा है। मैं इस पोजीशन में बॉल को पकड़ूंगा। इस पोजीशन में बॉल को पकड़ने के बाद बहुत स्मूथली बॉल को ऐसे करके फेंकूंगा और अपने हाथ का स्विंग पूरा करूंगा, फ्लो करूंगा। ये हमें रेगुलर करते रहना है कंटिन्यूअसली। और ये क्या कहते हैं, हमें इसमें ज़्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है। हमें बस जैसे बॉल को हम टाइम करते हैं उसी तरह हम बॉल को पकड़ के एक स्मूथ तरीके से हम ऐसे फेंक के दिखाएंगे। तो ये वाली ड्रिल शुरू करते हैं। गाइस अब इसी ड्रिल का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं जिसमें क्या हो गया, सिर्फ एक हमारे पास बैट आ गया है और वही सेम पार्टनर है, सेम जगह बॉल फेंकेगा और सेम पोजीशन पर हमें पहले से खड़े होना है, बस शॉट मारना है हमें। अब आप देखिए, अभी तक आपने दो ड्रिल देख ली होगी हर्ष के साथ। ये ड्रिल अगर आप करते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपका बेस क्लियर हो जाएगा, कट शॉट आपको पता चल जाएगा कैसे आपकी बॉडी आएगी, कैसे आपका बैठ जाना है। अब लास्ट वाली ड्रिल जो मैं आपको बता रहा हूँ हर्ष करके दिखाएगा। इस ड्रिल में आपको सिंपल क्या करना है, प्लास्टिक की बॉल हमें चाहिए और हमें पिच करनी है पीछे की साइड जहाँ पे अपनी बॉल आती है कट के लिए, वहाँ पे पिच करानी है पार्टनर के साथ। और हमें कम से कम 50 बॉल डेली खेलनी है अगर कट शॉट अच्छा करना है, तो वहाँ पे कंटिन्यू डालते रहना है और वहीं से आपको पंच की मिले तो पंच करना है, बाकी कट मारते रहना है। और कोशिश करनी है जो हमने शेप अपनी ड्रिल्स में की शैडो प्रैक्टिस की वही हमें सेम उसमें करना है। और जो भी हम ये सारी ड्रिल कर रहे हैं इसको हमें टाइम देना है, ये नहीं कि एक दिन में ड्रिल सीख जाएंगे, हमें टाइम देना है, कम से कम एक महीना लगातार करनी है, उसके बाद ही आपका ये शॉट परफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सामने आ जा, बस अब इस यहाँ बाहर मारता रही हो और इतनी बाहर कि मेरे यहाँ पे आके बॉल लगे, देख इस एरिया पे। तो आपने देख लिया तीनों ड्रिल, तो मैच में हमें क्या ध्यान रखना है, ये ड्रिल अगर हम कर रहे हैं तो मैच में सेम हमें यही प्रोसेस से बैटिंग करनी है। हाँ, सेम हमें यही प्रोसेस से बैटिंग करनी है, हमें ज़बरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करनी है। जब हम एक महीना डेढ़ महीना इस ड्रिल को टाइम दे चुके होंगे, नेट के अंदर भी ड्रिल को अच्छा कर चुके होंगे, तो मैच में ऑब्वियसली बात है आराम से लगने लगेगी। हमें कुछ भी ओवर नहीं करना है, अपना वही बॉल चूज़ करने, जैसे आपने बताया बॉल चूज़ करना आएगा और सेम प्रोसीजर के साथ हम जाएंगे तो हमारा कट शॉट कभी मिक्स नहीं होगा। तो आपने देख लिया सब कुछ। और गाइस तेज मारने नहीं जाना है, अगर तेज मारने जाओगे तो मजा नहीं आएगा शॉट में, आपको टाइम देना है और प्लेस करना है बॉल को अच्छी जगह, तो जब भी शॉट खेलने में मजा आएगा। और गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और जैसे मैंने आपको टारगेट स्टार्टिंग में बताया था वो आप अचीव करा ही दोगे मुझे पता है। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और आपका भाई इंस्टाग्राम पर भी सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल, वहाँ भी आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। गाइस जो आपको जब आप करते हैं आपको बॉल चूज कैसे करनी, और लास्ट में आपको तीन डिल के भाई